तो अभी हम इंस्टॉल करा रहे हैं ऑक्स लाइट्स अपने 310GS में। तो आप बताओ कि वीडियो में थ्रो कैसा आ रहा है, और ये जो पूरी राइड है ना ओवरऑल ये अराउंड 4,000 से 5,000 किलोमीटर की होगी। सो चलो इंस्टॉल कराते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिख रहा है। अंदर कुछ भी वायरिंग नहीं है, सारा क्लियर है। तो चलो वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट अ राइड, और हम जाएंगे और डलाएंगे भाई इसमें ऑक्सिलरी लाइट्स, और उसके बाद अपने हेलमेट में डलाएंगे हम इंटरकॉम। आज मैं व्लॉगिंग करने वाला हूँ इंस्टा 360 से, क्योंकि जो गोप्रो है मेरा वो फ़िलहाल रिप्लेसमेंट के लिए गया है, वो आया नहीं है। लास्ट व्लॉग में मैं इंस्टा 360 से व्लॉग नहीं कर पाया था क्योंकि इसका कनेक्टर नहीं आया था, और ये जो नीचे का माउंट है ये, तो आज माउंट आया और कनेक्टर आया, तो आज हम करेंगे इंस्टा 360 से व्लॉग जब तक हमारा गोप्रो नहीं आता। और चल के लगवाते हैं भाई ऑक्सिलरी लाइट्स अपने BMW G310GS में, और ब्लूटूथ इंटरकॉम अपने हेलमेट में फॉर अपकमिंग राइड जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:15, और शाम को जाने का रीज़न ये था कि जब हम ऑक्स लाइट्स लगवा के आएंगे तब तक हो जाएगा रात, और उस टाइम पे हम थोड़ा इसे हाईवे पे टेस्ट भी कर लेंगे कि ऑक्स लाइट्स कैसे काम कर रही है। और हम लगवाने जा रहे हैं HGJK 7 LED वाले ऑक्स जो कि 70 वॉट्स का है, और इंटरकॉम लगाना है हेलमेट में। तो इंटरकॉम जो लगाना है वो मैं सोच रहा हूँ ब्लू आर्मर का C30 लगा लूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने उसके। अब मुझे नहीं पता कि वो सारे रिव्यूज़ पेड थे या फिर अनबायस्ड रिव्यू थे, बट कम कॉस्ट में ज़्यादा फीचर्स के साथ वही आ रहा है और मेड इन इंडिया भी है, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है। बट इंटरकॉम और ऑक्स लाइट्स यार दो ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे करवानी थी अपने बाइक में, और मेरे ख्याल से दो ही पेंडिंग था और कुछ नहीं। सैडल बैग्स है लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे, और पैनियर्स है, पैनियर्स भी मुझे ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी रायनॉक्स का एक एक्सपीडिशन बैग ले लिया जो कि मैं पीछे टॉप बॉक्स के आगे और पिलियन वाले सीट पर रख के ट्रैवल करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दो चीज़ें थी, एक इंटरकॉम और एक ऑक्स लाइट्स जो लगवानी थी, तो आज चल के लगवा लेते हैं। उसके बाद हम यार रेडी हो जाएंगे, एकदम फुल प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी हमारी अपने अपकमिंग राइड की जो कि हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल राइड होने वाली है स्नोबी पे अपनी BMW G310GS पे। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, और ये जो पूरी राइड है ना ओवरऑल ये अराउंड 4,000 से 5,000 किलोमीटर की होगी, ठीक है, टू एंड फ्रो मतलब जाना आना दोनों मिला के। फ़िलहाल तो चलते हैं और डलाते हैं ऑक्स लाइट्स और इंटरकॉम अपने हेलमेट में। तो अभी हम राइड कर रहे हैं नेशनल हाईवे पे NH 48 पे, और यही पकड़ के हम सीधे पहुंचेंगे गोरेगांव, क्योंकि बाइकस्टर ग्लोबल जा रहे हैं हम, और उसका जो एक स्टोर है ना वो यहाँ पे मुंबई में है गोरेगांव में, एक्चुअली समवेयर बिटवीन गोरेगांव एंड मलाड। ऑक्स लाइट्स आप ऑनलाइन तो मंगा लोगे लेकिन इंस्टॉल भी करवाना पड़ता है, तो हम जाके वहीं पे इंस्टॉल भी कराएंगे ऑक्स लाइट्स, और उसके अलावा हम इंटरकॉम भी उसी शॉप से डलवाएंगे। तो आज मैं यार इंस्टा 360 से ब्लॉग कर रहा हूँ, तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसे आ रहा है आगे का व्यू और कैसे बन रही है ब्लॉग। हमेशा मैं गोप्रो से करता था लेकिन गोप्रो में ना यार एक दिक्कत आने लगी, उस दिन मैं राइड के लिए बस निकला ही था अपनी वेव पे मतलब अपनी ओला सन प्रो पे, और हुआ क्या कि जो गोप्रो है वो अचानक से ऑन करते ही शट डाउन हो जा रहा था, तो मुझे लगा शायद सॉफ्टवेयर अपडेट का कोई इशू है क्योंकि पहले भी एक बार ऐसे हुआ था, तो मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट मारा था तो ठीक हो गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी ऑन करने के बाद स्क्रीन ग्रे हो जा रहा था। तो फिर मैंने कॉल किया गोप्रो के सपोर्ट में। एक चीज़ सर मानना पड़ेगा, गोप्रो का जो सपोर्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सपोर्ट में जैसे मैंने कॉल किया उन्होंने कहा कि हम आपका गोप्रो जो है वो रिप्लेस करके देंगे, तो फिर रिप्लेसमेंट का उन्होंने एक ऑर्डर जनरेट किया और मुझे बस जाना पड़ा था अंधेरी UPS के ड्रॉप सेंटर में, वहाँ पे जाके मैंने अपने पास गोप्रो ड्रॉप कर दिया और फिर गोप्रो वहाँ पे पहुँच गया है, लेकिन वहाँ से आने में उसे जिस दिन पहुँचता है उस दिन से लेके 7 से 14 दिन लगते हैं आपका गोप्रो आपके पास वापस आने में। तो यार यही सीन है,
इस वजह से मेरे पास GoPro अभी फ़िलहाल है नहीं जिससे मैं कंटेंट शूट करूं या व्लॉग शूट करूं। तो मैंने सोचा सेकेंडरी कैमरा तो है ही मेरे पास Insta 360, तो क्यों ना इसी को यूज़ किया जाए। तो इस यही रीज़न है कि मैं Insta 360 पे बना रहा हूं ये वाला मोटो व्लॉग। आई होप ऑडियो अच्छी आ रही होगी और सामने का व्यू अच्छा आ रहा होगा। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं वसई क्रीक, इसको भाईंदर खाड़ी भी कहते हैं। इसका नाम है वसई क्रीक बट ये भाईंदर के पास पड़ता है इसलिए इसे भाईंदर खाड़ी कहते हैं। बारिश नहीं होती है ना तो धूप एकदम कड़क होती है और जब बारिश होती है तब राइड करने में मज़ा ही नहीं आता। ग्लव्स भीग जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, दुनिया भर के चीज़ें होती हैं जब बारिश होती है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि ठंडी के टाइम में आप कहीं भी निकल जाओ यार, कहीं भी, ठीक है, नॉर्थ में आप कहीं भी निकल जाओ, आपकी एकदम राइड जो है वो एकदम मज़ेदार होगी। हाँ, एक्सट्रीम ठंड एरिया में मत जाओ जहाँ पे भाई माइनस में टेम्परेचर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत ही अनकंफर्ट होगा राइड करने में। लेकिन यार लोग वहाँ भी जाते हैं और मैं भी जाऊँगा यार दिसंबर तक, बहुत ही एक मस्त एडवेंचरस राइड लगाने, विंटर राइड। देखते हैं कैसी रहती है वो राइड, लेकिन अभी उसमें काफ़ी टाइम है। फ़िलहाल तो हमारी प्रिपरेशन चल रही है इंटरनेशनल राइड की। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब मैं इंटरनेशनल राइड पर निकल चुका रहूँगा। जो भी अपडेट है वो आपको इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मिलेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी है वो एकदम लाइव होती है। जैसे ही अगर मैं समझो मैं राइड पर निकल रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पे अपडेट करता हूँ। अगर समझो मैं कहीं भी पहुँचा हूँ एक पर्टिकुलर लोकेशन पर तो इंस्टाग्राम पर सबसे पहले अपडेट करता हूँ। और वीडियो तो भाई पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, ये सब दुनिया भर की चीज़ें करने के बाद लाइव होती हैं। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो आपको सारे ट्रिप्स की मेरी लाइव अपडेट मिल जाएगी। तो अभी हम पहुंच गए हैं भाई गोरेगांव मलाड के एरिया में। ये देखो ये ओला का एक्सपीरियंस सेंटर है जिसका मैंने वीडियो बनाया था, और यहीं पे सेम लेन में ही है बाइकस्ट्रा ग्लोबल का शॉप। ये दरअसल न्यू लिंक रोड है और यहीं पर ओला का एक्सपीरियंस सेंटर भी है और सर्विस सेंटर जो मलाड वाला है। और फिलहाल तो ढूंढते हैं यार बाइकस्ट्रा ग्लोबल का शॉप इसी लेन में आगे। ये हम पहुंच गए बाइकस्ट्रा ग्लोबल। तो चलो अंदर चलते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाकी सारी चीज़ें, क्या सीन है यहाँ पे। ब्लू आर्मर का C30 हम इंस्टॉल कराने वाले हैं अपने हेलमेट पे। सो चलो इंस्टॉल कराते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिख रहा है C30 का इंस्टॉलेशन अपने हेलमेट पे। C30 इंस्टॉल हो गया हमारे हेलमेट में और जो हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर है वो कुछ ऐसे दिखता है। और अंदर
यहाँ पे हमारे पास है माइक और यहाँ पे ईयर पीस जहाँ से हमें सुनाई देगा। अंदर कुछ भी वायरिंग नहीं है, सारा क्लियर है। और ये रहा माइक और उसके बाजू में हमारा व्लॉगिंग वाला माइक। आए थे हम ये लेने HGG के 70 वॉट के ऑक्सिलरी लाइट्स, बट ये साइज़ में ना काफ़ी बड़े हैं तो अच्छे नहीं लग रहे हैं बाइक पे। तो ये एक न्यू लॉन्च था HGG का, ये 9 LED है और ये है 6000 ल्यूमेंस, 60 वॉट पावर का है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइक पे, तो हमने ये फाइनलाइज करें और ये वाले लगवाएंगे ऑक्सिलरी लाइट्स HGG के 60 वॉट के 9 LED। अभी हम इंस्टॉल करा रहे हैं ऑक्स लाइट्स अपने 310GS में और इनका रेफरेंस हमें बाइकस्टर ग्लोबल से मिला। इनके जो फिटिंग चार्जेस हैं वो हमें अलग से पे करना है, जो लाइट का कॉस्ट है उसमें फिटिंग चार्जेस इंक्लूडेड नहीं थे। नाम क्या है भैया आपका? अफसर भाई। अफसर मोहम्मद अफसर। मोहम्मद अफसर भाई हमारा ऑक्स लाइट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। हाय बोल दो कैमरा में और एक बार इंस्टॉल हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि थ्रू कैसा है स्पॉट और स्प्रेड का। चलो अंकल। चलो भाई, इनवॉइस बिलिंग हो गई सारी हमारी और अब हम चलेंगे वापस और आपको हाईवे पहुँच के दिखाता हूँ कि थ्रू कैसा है लाइट का। लेट्स गो। तो अभी हम राइड कर रहे हैं NH 48 पे और जा रहे हैं घर। तो यार पूरे ओवरऑल कॉस्ट की बात बता दूँ तो जो ब्लू आर्मर का C30 है उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट ही है, चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे आप स्टोर से लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वो 10999 का पड़ा मुझे ब्लू आर्मर का C30। और जो HGG का 60 वॉट का लाइट है 9 LED वाला, ये मुझे पड़ा 3999 में। तो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 14998, ये मेरा ओवरऑल कॉस्ट पड़ा आज दोनों चीज़ों का, एक C30 का और जो HGG का 60 वॉट का लाइट है। मेरा प्लान था यार या तो मैड डॉग का अल्फ़ा लगवाने का या फिर 70 वॉट का HGG का लाइट लगवाने का, लेकिन जो 70 वॉट का लाइट था ना HGG का वो काफ़ी बड़ा लग रहा था यार, तो इसलिए मैंने प्लान करा कि मैं 60 वॉट के लिए ही जाऊँगा और अच्छा भी लगना चाहिए और थ्रो भी अच्छा हो। तो जब मैंने इसका थ्रो देखा तो अच्छा खासा था, कोई दिक्कत नहीं था। मैं भी आपको थ्रो दिखाऊंगा इसका। तो चलते हैं घर पे और बीच में रास्ते में मैं आपको थ्रो दिखाता हूँ। फ़िलहाल तो BMW का लो बीम चल रहा है और हाई बीम की अभी यहाँ पे नीड है नहीं, बट आगे चल के मैं आपको BMW के हाई बीम के साथ HGG के लाइट का थ्रो स्पॉट और स्प्रेड दोनों दिखाता हूँ। और ये जो लाइट था ना HGG का 60 वॉट का 3999 में, इसके अंदर हार्नेस जो है वो साथ में आता है लाइट के, हार्नेस साथ में आता है, स्विच साथ में आता है, क्लैंप साथ में आता है और अगर आपको रॉड पे लगाना है अपने गार्ड पे तो उसका भी जो क्लैंप है वो साथ में ही आता है, तो एडिशनल कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा इन द बॉक्स आता है। और इसके साथ तीन मोड्स आते हैं फ्लैशिंग मोड्स, एक है जो स्टिल जलता है और एक है जो अलग तरीके से फ्लैश करता है और दूसरा मोड है वो भी एक डिफरेंट तरीके से फ्लैश करता है। तो दो फ्लैशिंग मोड्स और एक स्टिल मोड आते हैं HGG के 60 वॉट के लाइट में। तो यार चलते हैं आगे और जहां मुझे थोड़ा डार्क पैच दिखेगा वहां मैं आपको इन LED लाइट्स का दिखाता हूं थ्रो कैसा है। और बाकी जो ब्लू आर्मर का C30 है इसको तो भाई हम टेस्ट करेंगे राइडिंग के टाइम पे अपने फर्स्ट इंटरनेशनल राइड पे, ठीक है। और जो C30 है ब्लू आर्मर का, ये आपके फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है और मैश टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो एक साथ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा राइडर्स कनेक्ट हो सकते हैं और वाटरप्रूफ भी है और गाने भी सुन सकते हो। और जब आपका फ़ोन आता है और अगर आपका ब्लू आर्मर कनेक्टेड है तो आपका फ़ोन ऑटो पिक हो जाता है, और जस्ट इन केस अगर आप किसी राइडर के साथ कनेक्टेड हो और अगर आपका फ़ोन आता है तो जो राइडर कनेक्टेड है वो होल्ड पे चल जाता है और आप फ़ोन जो है और जो आपका फ़ोन आया हुआ है उसको
पहला प्रेफरेंस मिलता है। और अगर आप गाने सुन रहे हो ब्लू आर्मर के इस इंटरकॉम पे और उस वक्त अगर कॉल आ जाता है तो ये जो ऑडियो को है डिम कर देता है और आपका जो कॉल का ऑडियो रहता है उसे ही प्रेफरेंस देता है। तो यार बहुत सारे फीचर्स हैं, धीरे धीरे करके हम टेस्ट करेंगे राइड पे। फ़िलहाल तो आगे कोई डार्क पैच मिलता है तो मैं आपको थ्रो दिखाता हूँ HJG के इन 60 वॉट लाइट्स के। सो देखते हैं आगे कोई डार्क पैच मिला तो। तो ये एक सर्विस रोड है, वो हाईवे पे ही है NH 48 से जस्ट लग के। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइट का थ्रो कैसे है। अभी कोई भी लाइट नहीं जल रही है मेरे बाइक की। अब मैं ऑन करूँगा पहले बाइक को और ये जो है ये लो बीम जल रही है BMW की और ये जो है ये हाई बीम जल रही है। और अब मैं जलाऊँगा अपनी HJG की 60 वॉट की लाइट। ये है एक मोड और ये है सेकेंड मोड और ये जो है ये है थर्ड मोड जिसके अंदर हमारी दोनों 60 वॉट की जो HJG की लाइट्स है वो स्टिल मोड में जल रही है। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी राइड करी काफ़ी देर तक ये लाइट जला के और थ्रो काफ़ी अच्छा था। तो आप बताओ कि वीडियो में थ्रो कैसा आ रहा है। ये वाइट लाइट वाला थ्रो है और इसी लाइट के साथ दो येलो कैप्स भी मिले हैं। तो वो दो येलो कैप लगाओगे तो आपको येलो लाइट का थ्रो मिलेगा। आप बताओ कैसा आ रहा है ये लाइट का थ्रो HJG के 60 वॉट के लाइट्स के। और ये मैंने बंद कर दिए हैं। ये हाई बीम है BMW का, लो और हाई बीम दोनों जल रहे हैं और ये सिर्फ लो बीम है और ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइट जलती है वो है। ये मैंने सारी BMW की ऑन कर दी लाइट्स, लो बीम हाई बीम। और ये जो है ये HJG की फ्लैशिंग मोड 1 है, ये फ्लैशिंग मोड 2 है और ये जो है ये स्टिल लाइट है। तो बताओ आप लोग कि कैसे जल रही है अपनी लाइट्स। फिलहाल तो चलते हैं घर पे और फिर करते हैं इस ब्लॉग को एंड। फाइनली आई एम बैक होम। आई होप यू लाइक द शॉर्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।